मैं प्रणाम करना चाहता हूं और एकता समिति की ओर से यहां पर आयोजित इस भवन के निर्माण कार्य के भूमि पूजन के अवसर पर यहां पर उपस्थित हमारे पूर्व नगर सेवक मंगलवारी जोन के सभापति आदरणीय श्री सुरेश जगदेसी जी, पूर्व नगर सेवक श्री वेद प्रकाश आर्य जी, मेरे साथी श्री रोहित यादव जी, आदरणीय श्री गुड्डू राम डाले जी, प्रकाश पटले जी, यशवंत भगत जी, सोनू टेबरे जी और सभी एकता समिति के पदाधिकारी, हमारे पूर्व नगर सेवक महेंद्र बोरकर जी और तमाम हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें और दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मुझे याद है कि मार्च महीने में इसी इलाके में एक मैदान में चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज जी का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया था और मुझे पहली बार उस प्रोग्राम में निमंत्रित करके बुलाया गया था और स्टेज पर ही बोला गया कि हमारे समाज के लिए भाव एक भवन चाहिए और वहां घोषणा कर दी थी हमारे सुरेश भाई ने कि भाव की तरफ से 25 लाख रुपए हम दे रहे हैं और मैंने तुरंत इनकी चिट्ठी आने के बाद 25 लाख रुपया देकर इस जमीन पर यह भवन बनाने का निर्माण कार्य हाथ में लिया, जिसका टेंडर भी निकल चुका है और कभी भी वर्क ऑर्डर हाथ में आकर इस भवन का निर्माण कार्य शुरू होगा। जहां तक मुझे स्मरण है कि मां गढ़कालिका के मंदिर में, उज्जैन के उनके मंदिर में थोर संत कविदास कवि कालिदास जी अक्सर जाया करते थे और ऐसी मान्यता है उस मंदिर की कि जो भी मन्नत वहां से मांगी जाती है वो मन्नत पूरी होती ही है और कवि कालिदास जी का कहना ऐसा था कि जो भी इस मंदिर के दर्शन करता है उसको एक प्रेरणा प्राप्त होती है और वह काम हुए बगैर नहीं रहता। उत्तर नागपुर में पोवार समाज बहुत अधिक संख्या में है और बड़े दुख की बात है कि पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं में, मेरा मतलब आप गिन लीजिए जितने भी नागपुर से संबंधित बड़े नेता है, सभी के सभी ने इस समाज को हमेशा एक लॉलीपॉप दिया, झूठ बोला और अपना वादा नहीं निभाया। आज तक समाज भवन उन्होंने नहीं दिया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मार्च महीना यानी 6-8 महीने पहले इस समाज के कुछ नुमाइंदे पोवार एकता मंच के पदाधिकारी प्रकाश पटले, यशवंत भगत, सोनू टेमरे, ठाकरे जी व सब लोग ये डॉक्टर नितिन राव साहब के पास आए। डॉक्टर नितिन राव साहब ने इनकी व्यथा को समझा। इन्होंने एक कार्यक्रम में हमें इनवाइट किया था राजा भोज जयंती के, उस कार्यक्रम में राउत साहब ने डिक्लेयर किया कि मैं आपको तुरंत समाज भवन दूंगा और उसी एक आश्वासन की आज पूर्ति का विषय है कि आज यहाँ पे वो समाज भवन का भूमि पूजन आदरणीय डॉक्टर नितिन राव साहब के शुभ हस्ते यहाँ हुआ। आज का दिन पोवार समाज उत्तर नागपुर संगठन के लिए खुशी का दिन है कि आज उत्तर नागपुर पोवार समाज संगठन को यहाँ पर समाज भवन और लाइब्रेरी के लिए जो है जगह यहाँ पे दी गई है और मेरा सभी समाज बंधुओं से एक ही निवेदन है कि समाज भवन हो या समाज के कोई भी कार्यक्रम हो, समाज के कार्यक्रम जब होते हैं तो समाज के इसमें कहीं ना कहीं जो है हमें राजनीति से जुड़े रहना जरूर चाहिए, लेकिन समाज में कहीं भी कोई राजनीति न हो ताकि उसका नुकसान समाज को भुगतना पड़े,
ऐसी मैं सभी समाज बंधुओं से विनंती करता हूँ, प्रकाश पटले, यशवंत जी भगत, सोनू जी टेमरे और इस संगठन को मदद करने वाले हमारे रोहित जी यादव, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अच्छी सोच के साथ आप लोगों के माध्यम से यहाँ निश्चित एक समाज भवन का भव्य उद्धार होगा, समाज भवन बनके तैयार होगा, उसका फायदा समाज के छोटे से छोटे तबके को मिलेगा। मेरा नाम यशवंत भगत, मैं पोवार समाज एकता मंच उत्तर नागपुर का संगठन सचिव का मुझे दायित्व दिया गया है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ, और सबसे पहले आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने मौका दिया और इस न्यूज को करने के लिए। तो आज जो जो आज लोग इकट्ठा हुए हैं और समाज के और आप लोग जो आए हुए हैं, वजह यह है कि हमें करीब मार्च में ही जो कार्यक्रम हुआ था, उसके एक साल पहले भी जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी डॉक्टर नितिनराव साहब द्वारा 10 लाख का फंड आयोजित किया गया था, दिया गया था, पर वो कम होने की वजह से डॉक्टर साहब ने बोला कि आप चिंता ना करें। हम लोग गए, संघर्ष किया कई बार, और उन्होंने हमें जो मार्च के बाद में हमने एप्लीकेशन डाली, उसके बाद अप्रैल में हमारे जो फंड को मंजूर दी गई डॉक्टर साहब के द्वारा, और अभी कुछ दिन पहले ही 21,86,000 का ऐसा कुछ फंड हमारे पवार समाज निधि के लिए आया। ये बहुत ही खुशी की बात है और पवार समाज को दिया गया, समस्त पवारों के लिए खुशी की बात है। परंतु एक विषय कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने जो है हमारे पवार समाज को बांटने का काम किया। ओ राजा भोज की, मंच पर उपस्थित जनता के लाडले आमदार माननीय डॉक्टर नितिन जी राउत और उपस्थित माननीय सुरेश जी जगियासी, उपस्थित मेरे बड़े भाई रोहित जी यादव, उपस्थित हमेशा मुझे समाज के लिए हर टाइप का अनुभव देने वाले मेरे मामा श्री कुटुंबराव रामडाले, पवार समाज के राष्ट्रीय कवि जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाई, ऐसे मेरे हृदय मामा जी और मन सब उपस्थित सभी मेरे मित्र भाई बहन। दोस्तों, यह विषय आज का जो दिन है, यह पवार समाज के लिए कई सालों से खुशियां आज इस दिन आया है। 2015 से मैं पवार समाज के लिए सदस्य के रूप में काम करता आया हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं पवार समाज एकता मंच से जुड़ा हूँ, उसका अध्यक्ष हूँ। मुझे इतनी अच्छी टीम मिली जो मैंने 6-8 महीने में ऐसा भूमि पूजन का रिजल्ट लाया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर से उपस्थित उत्तर नागपुर की आन बान शान और उत्तर नागपुर को उत्तम नागपुर तक बनाने वाले परम आदरणीय डॉक्टर नितिन राव साहेब जी, हमारे अंकल सुरेश जी जग्यासी जी, पंडोपल तेमुने जी, बड़े भाई कुटू भी रामदारे जी, हमारे भूतपूर्व नगर सेवक वेद प्रकाश आर्य जी, महेंद्र जी बोलकर जी आदि। आप देख रहे हो भूमि पूजन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत तकलीफ हुई, प्रकाश आपकी टीम ने अपने आंसू तक बहा दिए एनआईडी ऑफिस में यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैंने उसी दिन ठान लिया कि तुम्हारे आंसू का एक एक कतरा समय समय पर पूरी ताकत के साथ डॉक्टर नितिन राव जी के आशीर्वाद से, सुरेश अंकल के आशीर्वाद से, हम सभी की मिलकर आपको आंसू का एक एक कतरे का बदला हम झगड़े से नहीं लेंगे। धन्यवाद। आज उपस्थित हमारे मार्गदर्शन और हमारा मोटा भाव गुड्डू भाव रांगडाले, हमारे गौतम जी, चेतन जी दुर्कर, हृदयनाथ जी ठाकरे, हमारे सुनील जी भटले, समस्त हमारे ऐसे उपाध्यक्ष यूनियन टेकचंद जी रांगडाले और सभी समाज बंधु, बहुत गर्व की बात से कि आज एक हमें बाहर लेक आए के गांव गांव लेक छोटे छोटे गांव लेक आए के एक मोटो शहर में बस के एक अपने भवन की रचना कर रही सके, ये बड़ी बहुत गर्व की बात हो से कि आज अपनो पवार समाज एक बुलंदी पर से कि हमें इस गर्व कर सके कि हमारो नागपुर शहर में हमारो भवन से, ये बहुत मोटी बात से। और ये जागा मिल लो तुम्हारे प्रकाश भाव पटले और इनकी टीम ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देसु कि ये दिन रात एक करके जागा ले एक करी और जागा मांगी और अपना भवन बना ले, यहाँ पर भवन निर्माण कर रही थी, ये बहुत अच्छी बात से। और असो हर संगठन ला करना चाहिए, हर लग हर परिवार एक मेकला साथ दो तो हम आगे बढ़ बोल खींचा तो सब जगह चला से, पर नहीं करना चाहिए।